मस्जिद के सामने क्यों एक स्थानीय पार्षद को तकरीर करनी पड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। वो मजदूर नहीं थे, वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। प्रवासी मजदूरों ने भरपेट खाना ना मिलने की शिकायत की, गांव जाना चाहते थे, भूख ने उनका सब्र तोड़ दिया और हिंसक हो उठे। सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है उसने अपने 46 रिपोर्टर्स, 6 कैमरामैन, 17 प्रोड्यूसर्स को बाहर करने का फैसला किया है। मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हर भारतवासी को उम्मीद थी, खासकर मजदूरों को, कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ा दिया। हाल ही में इसी के चलते मुंबई के बांद्रा और गुजरात के सूरत में काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। ये ज्यादातर सभी मजदूर थे जो सरकार से घर जाने की मांग कर रहे थे। इस पर मीडिया ने दोहरी पत्रकारिता की, इस मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। गोदी मीडिया ने सूरत में इकट्ठे हुए मजदूरों का जिक्र नहीं किया, पर मुंबई के बांद्रा में जो मजदूर इकट्ठे हुए थे उनकी बिना जांच किए इस मामले को हिंदू मुस्लिम करार दे दिया। तो मुंबई में किसने अफवाह फैलाई और एक ऐसे टर्मिनल के सामने लोग क्यों इकट्ठा हो गए जहां से ट्रेनें जाती ही नहीं? मस्जिद के सामने क्यों एक स्थानीय पार्षद को तकरीर करनी पड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। अगर ये पलायन के मकसद से अपने घरों से निकले थे तो इन्हें बांद्रा स्टेशन के बाहर किसी मस्जिद के बाहर जमा नहीं होना था, इन्हें जमा होना था बांद्रा टर्मिनस पे। ये बताती है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया था। ये भीड़ मुंबई के बांद्रा इलाके में जमा हुई है जो मुंबई का हॉटस्पॉट इलाका है। इस पहली तस्वीर में आप भीड़ के शोर को सुन सकते हैं। तस्वीर में एक जगह ये आपको जामा मस्जिद भी दिख सकती है जिसके पास खड़े लोग बेकाबू नजर आ रहे हैं। मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे, वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। अफवाह फैलाई गई कि ये भूखे प्यासे मजदूर हैं, अफवाह फैलाई गई कि ये लोग फंसे हुए हैं बेचारे, वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं था। पत्रकार रजत शर्मा ने ट्वीट करके लिखा कि बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोग का इकट्ठा होना चिंता की बात है। इन्हें किसने बुलाया? अगर ये लोग घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे तो इनके हाथों में सामान क्यों नहीं था? आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें उन्होंने जनसाधारण एक्सप्रेस चलाने की बात कही थी। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की ओर से बयान आया जिसमें उन्होंने ना तो हिंदू मुस्लिम की बात कही, ना ही किसी मस्जिद का कोई जिक्र किया। बांद्रा रेलवे स्टेशन के परिसर में कुछ 1500 के आसपास लोग जमा हुए थे, उनमें से काफ़ी संख्या में परप्रांतीय मजदूर थे। उनका लॉकडाउन एक्सटेंड होने की वजह से मन में एक असंतोष था और उन्हें घर वापस जाने की एक आतुरता थी। उन्होंने ये डिमांड प्रशासन के सामने रखी। स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय डीसीपी, एडिशनल सीपी वहाँ जाके उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, उनके साथ चर्चा की। इस चर्चा के दरमियान क्राउड का कुछ भाग अग्रेसिव हो गया, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए सौम्य बल का प्रयोग करना पड़ा और उस भीड़ को, उस गर्दी को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में सूरत के मजदूरों की परेशानियों को जिक्र किया जिससे शायद मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाना भूल गया था। यह सूरत के लस्काना रोड की तस्वीर। प्रवासी मजदूरों ने भरपेट खाना ना मिलने की शिकायत की, गांव जाना चाहते थे, भूख ने उनका सब्र तोड़ दिया और हिंसक हो उठे। 90 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें 8 नाबालिग। इस हिंसा के कारण सूरत में 1200 से 1300 मजदूरों के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। भूख ने सबको अपराधी बना दिया है। एक और जहां लॉकडाउन में मजदूर सड़कों पे आ चुके हैं, लोग घरों में भी तंग आ चुके हैं, अब मीडिया हाउस में भी नौकरियां जा रही हैं, इसकी जानकारी अभिसार ने अपने शो में दी। दो अखबार, जी हां, दो अखबार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कम की जाएगी। एक मैगजीन ने अपना प्रिंट पब्लिकेशन बंद कर दिया है। एक
न्यूज चैनल ने, एक हिंदी न्यूज चैनल ने अपने 16 वेब एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। यही नहीं, एक बहुत बड़े अखबार ने अपने संडे मैगजीन को बंद कर दिया है। सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है उसने अपने 46 रिपोर्टर्स, 6 कैमरामैन, 17 प्रोड्यूसर्स को बाहर करने का फैसला किया है। एक और अखबार है, उजाले का जिक्र अक्सर वो करता है, उसने अपने एम्प्लॉयज की 50% सैलरी कम कर दी है। दूसरी तरफ रिपब्लिक चैनल में डिबेट पे जब विपक्षी नेता ने लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए, तब अर्नब ने उन्हें इस बात के लिए देश विरोधी ही बता दिया। आप जब तक कोरोना ना खत्म हो जाए आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है? भूख से मर रहे हैं आप, ना भूख से मर रहे हैं ना आपको कोई परेशानी है। आपके पास आपके नौकर चाकर सबको लेके आप बैठे हुए हैं। इन्होंने आज कह दिया है कि आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ। तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। आप भारत के खिलाफ हैं। आप लॉकडाउन के खलनायक हैं। आप पप्पू यादव जी लॉकडाउन के खलनायक हैं। अर्णब जी आपको एक नया नाम दूंगा मैं, आपका नाम है लॉकडाउन का खलनायक। लॉकडाउन के खलनायक सोनिया गांधी। इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूँ। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए, मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। हमारे मीडिया को फेक न्यूज ना फैलाकर सही खबरें बतानी चाहिए। लोग मीडिया पर भरोसा करते हैं, पर वही मीडिया समाज बांटने की बात कर रहा हो तो जनता का मीडिया से विश्वास उठ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया वक्त रहते इस पर ध्यान देगी और जनता के विश्वास को बनाए रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।